छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत 2022 में बच्चों में सीखने और समझने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना की। छत्तीसगढ़ में राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी की थीम के साथ शुभारंभ किया बालवाड़ी योजना का। इसके अंतर्गत शाला परिसर में स्थित आंगनबाड़ियों को बालवाड़ी के रूप में संचालित किया जा रहा है। बालवाड़ी नौनिहालों के मानसिक और शैक्षणिक विकास में घर और स्कूल के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन बालवाड़ियों में बच्चों के लिए किताबें, खिलौने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। बालवाड़ी योजना का उद्देश्य 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्कूल शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करना है, ताकि जब बच्चे पहली कक्षा में जाएं, तो उन्हें प्रारंभिक अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य यही है कि राज्य के सभी 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, विशेषकर पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों को उनके बचपन में बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 5,173 बालवाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में ECCE के अंतर्गत 4,318 प्राथमिक शालाओं में बालवाड़ियों का संचालन प्रस्तावित है। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिकों के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा प्रदान की जा रही है। बालवाड़ी खुलने से तो बहुत फायदा है, अभी तो काफ़ी फायदा है। बच्चे लोग घर के बजाय अच्छे रहते हैं, यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं और उनका पालन पोषण भी अच्छा हो रहा है। यहाँ बालवाड़ी नहीं थी तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते थे, वहाँ काफ़ी फीस लगती थी, काफ़ी डोनेशन वगैरह देना पड़ता था। अभी वो चीज़ यहाँ नहीं है। भूपेश बघेल जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। बालवाड़ी के लिए चुने गए शिक्षकों को शासन द्वारा 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने का भी प्रावधान है। बालवाड़ी के शिक्षकों द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिदिन 2 घंटे उन्हें अलग अलग खेल, बाल गीत और कहानियों में शामिल करने के साथ ही उन्हें चित्रकारी करना भी सिखाया जाता है। पहले वो झिझक रहा था बोलने के लिए, जब से यह बालवाड़ी योजना खुला है उसको मतलब बहुत बात करने का टोन, हर चीज़ अच्छे से हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ आते हैं तो क्या, सबसे पहले ये योजना खुला ना तो खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना भोजन करने से पहले प्रार्थना करना है, ये सब घर में जाके बताते हैं कि हमने मैम ये सिखाई है, हमारे मैम कैसे खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं ये सिखाए, ये सब सारे चीज़ सीखने को मिला। पहले ये आंगनबाड़ी योजना नहीं था तो प्राइवेट में डालना पड़ता था और प्राइवेट के लिए बहुत पैसा लगता था। जब तो ये जब से ये योजना है सबसे हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे बातें सीखते हैं, पोयम जो यहाँ मैम लोग पढ़ाते हैं वो घर में जाके रिपीट करते हैं, हम लोग को बताते हैं कि ये पोयम हम लोग को बताई मैम, वो बात करते हैं, गाना गाते रहते हैं और यहाँ जो भी पढ़ के जाते हैं वो घर में बताते हैं, फिर हम लोग उसको भी पढ़ाते हैं। बालवाड़ियों का ये स्वरूप बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी बहुत भा रहा है। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है और बालवाड़ी के बाल सुलभ वातावरण में बच्चों का बेहतर विकास हो रहा है। मेरे बच्चे लोग बालवाड़ी में पढ़ने जाते हैं, बालवाड़ी में बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाई होता है, बच्चे बहुत अच्छा अच्छा बोलने सीखते हैं, पढ़ने सीखते हैं, खेत कूद में भी आगे हैं, यहाँ का रहन सहन भी बहुत अच्छा है, खान पान भी बहुत अच्छा है, बच्चे यहाँ बालवाड़ी में आकर बहुत खुश हैं। घर में जाकर जैसे हम लोगों का प्रणाम करते हैं और किसी बड़े को नमस्ते करते हैं। बालवाड़ी बाल शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग है, जहाँ नींव मजबूत हो रही है शिक्षा के आरंभिक सोपान पर खड़े बच्चों की। इसी नींव पर खड़ी होगी एक मजबूत और बुलंद इमारत कल के भविष्य की।